तो हम अब देख रहे थे पेपर टू का टॉपिक है नेचर एंड स्पिरिट कंपेयर्स। हमने पेपर टू में अभी तक पैलियोलिथिक मेसोलिथिक कल्चर देखा था। अब ये दूसरा चैप्टर तीसरा चैप्टर ये चल रहा है चौथा चैप्टर ग्रोथ ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इसका लास्ट टॉपिक नेचर एंड स्पिरिट कंपेयर्स। नेचर एंड स्पिरिट कंपेयर्स की हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये कुछ पॉइंट्स है कि इसको किसने दिया है, एलपी विद्यार्थी ने, किस चीज के काम आता है, पॉलिसी मेकिंग बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स, और इसमें हमें केस स्टडी देखेंगे जिसके ऊपर ये पूरा कंसेप्ट बेस है, यानी कि नेचर एंड स्पिरिट कंपेयर्स, और ये किसके ऊपर मेवर ट्राइब की झारखंड की उनके ऊपर। फाइन, अब ये जो कंसेप्ट है नेचर एंड स्पिरिट कंपेयर्स, जैसा कि मैंने बताया कि पहली बार नहीं आएगी, इट वॉज गिवन बाय एलपी विद्यार्थी, ठीक है, और ये किसके ऊपर था, मेवर ट्राइब के ऊपर, जो कि थिल ट्राइब है बिहार की, ठीक है। तो जो इसमें अब इस कंसेप्ट की खासियत क्या है, एक्चुअली इसमें जो विद्यार्थी साहब है इन्होंने एक कंपेयर्स बनाने की कोशिश की है। ये है हमारी नेचर, नेचर में क्या होता है सर, यानी कि इको सिस्टम एग्रीकल्चर वगैरह। ये है मैन, मैन और यानी जो ट्राइबल पीपल है, ठीक है सर, ये सब आगे सोशल ऑर्गेनाइजेशन मास सिस्टम, और ये आगे हमारे स्पिरिट। स्पिरिट से हम क्या समझते हैं, स्पिरिट्स होते हैं ऐसे आत्माएं, ये सब काफी जो ट्राइब्स होती है काफी सुपरस्टिशियस होती हैं, भूत आत्माओं पे काफी विश्वास होता है इनका, ठीक है। ये नेचर और मैन के बीच एक कंपेयर्स बना हुआ है, और मैन और स्पिरिट के बीच भी एक ये कंपेयर्स बना हुआ है, नेचर मैन मैन स्पिरिट कंपेयर्स, ठीक है। दिस डेफिनेशन इज सेल्फ डिफाइनिंग इटसेल्फ हियर, और नेचर और मैन स्पिरिट के बीच इस चीज को जो हम बोलते हैं ये हमारा नेचर मैन NMS स्पिरिट कंपेयर्स। एलपी विद्यार्थी साहब बोलते हैं कि अगर आपने इस कंपेयर्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश की तो ट्राइब्स विद्रो कर देंगे, ट्राइब्स आपके अगेंस्ट चल देंगे, ये कंपेयर्स मेंटेन रहना चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये कंपेयर्स कैसे बनता है, और यही इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वगैरह के लिए जो हमारी डेवलपमेंटल वेलफेयर एजेंसीज है जो इन ट्राइब्स के लिए काम करती है उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि हमें इस चीज को समझना होगा नेचर मैन मैन स्पिरिट और नेचर मैन स्पिरिट इवेंचुअली कि ये किसी तरह डिस्टर्ब ना हो ड्यूरिंग देयर डेवलपमेंटल टास्क, ठीक है। अब हम देखते हैं होता क्या है इसमें, जो नेचर और मैन है इनके बीच एक इंटीमेट रिलेशन है। जो ट्राइबल्स है ये तो मैक्सिमम जंगल जाड़ों में रहती है, इनका काम क्या होता है, ये एग्रीकल्चर करती है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन करती है, ठीक है, इनको फ्यूल वुड, इनको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, हर्ब्स, ठीक है, ग्रेवयार्ड, ये सब इनको मिलता है कहाँ से, नेचर से, यानी कि बाय जो फॉरेस्ट इको सिस्टम एग्रीकल्चर ये सब इसमें आ जाता है, इससे ये इसके ऊपर डिपेंडेंट है। तो जब हम जब गवर्नमेंट वगैरह है ये जब इन फॉरेस्ट को हार्नेस करने की कोशिश करती है और उसे पेड़ वगैरह निकालती है, इसमें ये ट्राइब्स को प्रॉब्लम होती है, हमें इस चीज को रोकना है। और एक और चीज ये है कि इंसान की दो तरह की नीड्स होती है, एक होती है बायोलॉजिकल, एक होती है सोशल। सोशल नीड्स भी यहाँ से पूरी होती है नेचर से, ठीक है, सोशल नीड्स जैसे कि काफी ज्यादा सेरेमनीज होती है जो यहाँ पे की जाती है, बायोलॉजिकल नीड्स जैसे कि इसमें शर्म के अंदर जैसे कि सेक्सुअल नीड्स, जो फॉरेस्ट है ये एक सेफ प्लेस प्रोवाइड करता है फॉर द सेक्सुअल एक्टिविटीज ऑफ द यंग कपल्स, ठीक है, इसलिए हमें इनके लिए फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया नेचर और मैन के बीच का कंप्लेक्स, अभी मैं आपको इसी समराइज कर लूँ, बाकी साथ में नोट्स में मैंने डिटेल में दिया हुआ है। और दूसरा है मैन और स्पिरिट के बीच का कंप्लेक्स, मैन और स्पिरिट के बीच का कंप्लेक्स है, ये जो मेवर ट्राइब है ये स्पिरिट्स में बहुत ज्यादा मानती है, जो कि अपने जो इनके हाँ नेचर और मैन में चीज वो याद कीजिए कि ये शिफ्टिंग कल्टिवेशन पर विश्वास रखते हैं, और शिफ्टिंग कल्टिवेशन ये फॉरेस्ट हमें चाहिए ही चाहिए, इसलिए नेचर और मैन के बीच यहाँ पे फिर से एक और पॉइंट ऐड हो जाता है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन पे बोलते हैं थरू कल्टिवेशन, KHARU। दूसरा पॉइंट ये यहाँ पे हमें ऐड करना पड़ेगा कि इनमें एक प्रथा है मेज, मेल की क्रॉप उगाने की, इनमें माना जाता है जो मेल मेंबर मेल ज्यादा उगाएगा वो उतना ज्यादा पावरफुल, वो उतना ज्यादा उसकी स्टेटस हाई हो जाएगा, इसलिए मेल ज्यादा से ज्यादा उगाने के लिए इनको चाहिए फिर से फॉरेस्ट, इसलिए नेचर मैन यहाँ पे भी इम्पोर्टेंट बन जाता है। नेचर मैन के बीच का समझ लिया, इसमें हम नियरली 150 से 200 वर्ड्स बना सकते हैं, मैन और स्पिरिट में आते हैं। जो मेवर ट्राइब है ये स्पिरिट में बहुत ज्यादा विश्वास रखती है,
ये मानते हैं कि भूत आत्माएं होती है, ये भूत छूत नहीं है, इनके जो एंसेस्टर्स है उनकी आत्माओं में विश्वास करते हैं, और ये उनको बोलते हैं गोसाइंस, ठीक है, गोसाइंस, और जो उनका भी जो हेड होता है उन आत्माओं का उसे बोलते हैं गोसाइन, ठीक है। तो जो ये गोसाइंस और गोसाइन है जो ये कि हर वक्त हार्मफुल हो, ठीक है, ये सोचते हैं कुछ इनके लिए अच्छे भी होते हैं, लेकिन ये सबको खुश रखने के लिए पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, इसलिए उनके बड़ी ज्यादा सेरेमनीज वगैरह करते हैं, ठीक है। ये तो उनकी सेरेमनीज करने के लिए इनके लिए स्पिरिट्स भी इम्पोर्टेंट है, और ये मानते हैं कि अगर हमने स्पिरिट्स को खुश किया तो हमारी हमारी जो क्रॉप है उसमें फर्टिलिटी आएगी, ठीक है, हमारी जो जनरल है उसमें फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और हमारी घर में शुद्ध शांति आएगी, इसलिए मैन और स्पिरिट के बीच का कम्प्लेक्स भी इम्पोर्टेंट है। यही है हमारा नेचर मैन स्पिरिट कम्प्लेक्स, कि जिस तरह से मेवर ट्राइब का जो मैन है इस तरह से वो नेचर के साथ जुड़ा हुआ है और स्पिरिट के साथ जुड़ा हुआ है। हमें जब भी कोई गवर्नमेंट की कोई एजेंसी या हम पर कोई भी प्रोजेक्ट लेके आती है उनको देखना पड़ेगा कि आप प्रोजेक्ट को रहो लेकिन इस चीज को डिस्टर्ब ना करो, तभी जाते वो प्रोजेक्ट बाकी में डेवलपमेंट